आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के एजीएम 45th एजीएम हमने देखा जिसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, और रिसेंट में हमने देखा कि सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा को भी इस कंपनी ने एक्वायर करी है और सोशियो को भी एक्वायर करी है। बहुत सारे एक्विजिशन देखे और हाइड्रोकार्बन के अंदर बेहतर करते हुए दिख रही है। जियो के अंदर हमने देखा कि अराउंड 2 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इन सभी न्यूज के बाद री रेटिंग इस कंपनी का श्योरली होते हुए दिखेगा। हालांकि जो रेटिंग कंपनियां हैं उन्होंने टारगेट इसके 2800 से 3200-3300 तक के लेवल्स दिए हैं। इस समय आज देखेंगे तो स्टॉक में अराउंड 3% के आसपास तक का एक गिरावट दिखा है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक देखिए तो 2500 और 2480 तक के लेवल्स टच कर सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने इस स्टॉक को शॉर्ट कर रखा है तो 2580 के ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करके 2480 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन पोजिशनली ये एक निवेश का मौका है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। मैक्सिमम डाउन ट्रेंड 2450 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो आप चाहें तो धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ। मेरा पर्सनली टारगेट है टिल दिसंबर ये 3200-3500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर इस स्टॉक को मोर देन 2 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो 5000 तक के इजिली लेवल्स इस स्टॉक में श्योरली देखने को मिले।